होगी आपकी स्पिन टाइमर के लिए, ठीक है। स्पिन टाइमर अभी तक आप 4 वाली या 3 वाली वायर जो टाइमर, उसके अंदर स्पिन के लिए आप मेन फेज आपका जो है डायरेक्ट स्पिन टाइमर में देते थे, बट अगर 6 वायर वाला वॉच टाइमर आया तो उसके अंदर स्पिन के लिए, स्पिन टाइमर के लिए फेज जो होगा वो वॉच टाइमर से होके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्पिन का जो लास्ट वाली वायर होगी आपकी वो स्पिन टाइमर की जाएगी। यहाँ डायरेक्ट ना दे करके आप कहाँ से देंगे, वॉच टाइमर के थ्रू आपका स्पिन टाइमर के अंदर जाएगी। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, स्पिन टाइमर से फिर आपका डोर स्विच या लीड स्विच में जाएगा, और लीड स्विच का आउटपुट फिर कहाँ जाएगा, स्पिन मोटर की रनिंग वाले पॉइंट में जाएगा। नॉर्मली स्टार्टिंग रनिंग जैसे देते थे आप वैसे ही देंगे वॉच मोटर को। दोनों की कॉमन, दोनों मोटर की कॉमन पे आपकी न्यूट्रल जाएगी, एक बजर के लिए न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। बाकी सब जगह आपका एक बजर के लिए यहाँ पे फेज मिल गया है, मेन फेज आपने इनपुट करा है स्टार्टिंग रनिंग, और एक स्प्रिंट के लिए जा रहा है। इस तरीके से ये 6 वायर